गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम हिंदी में श्रुतलेख करेंगे। जो मैं बोलूँगी वो आपको लिखना है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे ए। ए कैसे लिखेंगे ये देखिए, ए बड़े ऐसे ऐनक। क्या लिखेंगे? बड़े ऐसे ऐनक। ये लिख दी हमने बड़े ऐसे ऐनक। नेक्स्ट आप लिखोगे आ। आ से आम, बड़े आ से आम। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बड़े आ से आम, बड़े आ से आम। आगे हम लिखेंगे अंग। अंग से अंगूर। कैसे होता है अंग से अंगूर? ये अंग से अंगूर, यहाँ पे हम लिख देंगे अंग से अंगूर। नेक्स्ट हम लिखेंगे रे। रैशे ऋषि, रैशे ऋषि। आपको रैशे ऋषि सिखाया था, तो आप ऐसे रैशे ऋषि लिखोगे। ये बन गया रैशे ऋषि। नेक्स्ट आप लिखोगे ये क्या है, ई से इमली, छोटी ई से इमली। तो छोटी ई से इमली कैसे लिखेंगे? ये देखिए छोटी ई से इमली। क्या लिखा आपने? छोटी ई से इमली। नेक्स्ट आप लिखोगे ओ। ओ से ओखली, ओ से ओखली। ओ से ओखली कैसे लिखेंगे हम? ये ऐसे लिखेंगे ओ से ओखली। उसके बाद लिखेंगे अ, छोटे आ से अनार, छोटे आ से अनार। यहाँ पे लिख लेंगे छोटे आ से अनार। उसके बाद हम लिखेंगे ई, बड़ी ई से, बड़ी से ईख, बड़ी से ईख। ये बन गई बड़ी से ईख। नेक्स्ट हम लिखेंगे ऊ, बड़े उसे ऊन, बड़े उसे ऊन। कैसे लिखेंगे? बड़े उसे ऊन। नेक्स्ट हम लिखेंगे बड़े आओ, बड़े आओ से औरत, बड़े आओ से औरत। कैसे लिखेंगे? ये देखिए बड़े आओ से औरत। इसके बाद हम लिखेंगे ए, छोटी ए, छोटी ए से एड़ी, छोटी ए से एड़ी। लास्ट में हम लिखेंगे आहा, इसे क्या बोलते हैं? बड़ंगा खाली। तो बड़ंगा खाली यहाँ पे लिखेंगे, ये हमने लिख लिया बड़ंगा खाली। ए बड़े ऐसे ऐनक, आ आसे आम, अंग अंग से अंगूर, रे रैशे ऋषि, इ छोटी से इमली, ओ ओ से ओखली, अ छोटे आ से अनार, ई बड़ी से ईख, ऊ बड़े उसे ऊन, बड़े आ से औरत, ए ए से एड़ी, अंग अंगा बड़ंगा खाली। तो सभी बच्चे ये डिक्टेशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपका टेस्ट लूँगी डिक्टेशन का। आज मैं आपको दिखा के कराया है, नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट होगा। ओके, सभी बच्चे ये अपनी नोटबुक पे करेंगे, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग पे। थैंक यू।